समझने की कोशिश करें कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंसेस हैं, इससे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सेल की बात करें तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल का बना होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन सेल होते हैं। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो की अगर बात करें तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो यूनिसेलुलर का यूजुअली लोअर होता है, इसीलिए उनको आवश्यकता हुई क्या, किस चीज की, टू बिकम अ मल्टी सेलुलर या डिवीजन करने की आवश्यकता उनको हुई। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज हाई। साइज क्या होगा, जनरली यूनिसेलुलर का इसके नाते लार्ज होगा एंड मल्टी सेलुलर की बात करें तो क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉलर होंगे इसके कंपैरिजन में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये बहुत पूछता है, ए सेलुलर ग्रेड, इट मीन्स एक ही सेल का बना होता है तो इनके पास ए सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा तो वहां पे सेल ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज के ग्रुप ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के ग्रुप क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। बहुत अच्छे समझिएगा। वर्कलोड की बात करें तो अगर ये सिंगल सेल है तो इनके पास वर्कलोड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा या हाई वर्कलोड। इनके पास नंबर ऑफ सेल्स हैं तो इसके नाते इनके पास वर्कलोड बहुत कम होता है। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो यहाँ पे नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल्स हैं, डिफरेंट तरीके के सेल्स को, उनको अलग अलग उनके काम का बंटवारा कर दिया जाता है, उसको हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो यहाँ पे जब एक ही सेल है तो उसको सारे फंक्शन परफॉर्म करने ही पड़ेंगे, इसीलिए वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स को डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस दिए जाते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे जो वर्कलोड है बहुत कम होता है इनके कंपैरिजन में। डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन की बात करें अगर हम लोग, सेल डिफरेंशिएट होकर के ऑर्गन टिश्यूज ये बनाते हैं कि नहीं, तो इनके अंदर नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक ही सेल का बना है। इसके अंदर यस ऐसा होगा, इनके अंदर डिफरेंशिएशन होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, सेल को स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाता है। अब अगर हम लोग डेड सेल की बात करें, अच्छा डेड एंड लिविंग में हम पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, डेड का मतलब होता है कि सेल वो अपना मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देंगे, लेकिन अगर वो प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट हैं तो वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, ऐसे सेल्स को हम लोग डेड सेल कहते हैं। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर होने के नाते सिंगल सेल है तो डेड सेल का होना नहीं होता है, नहीं होते हैं डेड सेल। मल्टी सेलुलर में डेड सेल होते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल्स में हम लोग बात करें, उसमें भी अगर हम लोग बात करें तो एनिमल्स में जो है कम होते हैं, प्लांट्स में डेड सेल की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। सेल रिप्लेसमेंट की बात करें कि सेल अपने को रिप्लेस कर सकता है कि, अब आप बताइए अगर यूनिसेलुलर है तो क्या सेल रिप्लेस अपने को कर सकता है, क्या रिप्लेसमेंट होगा उनमें, तो नहीं होता है। मल्टी सेलुलर में यस, अगर कोई सेल आपको कट फट वॉर्न आउट हो जाता है, चोट लग जाती है, वो घाव जख्म भर जाते हैं, प्लांट्स में फिर से नए पौधे, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, सेल कैन बी रिप्लेस। अभी हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ सेल डिवीजन, तो हम जानते हैं टोटिपोटेंसी की पावर होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट करने की कैपेसिटी। सर्वाइवल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे लेस कैपेसिटी होती है सर्वाइविंग की इनकी, क्यों, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, वर्कलोड ज्यादा होता है, डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल नहीं होता है, नाम मात्र का ए सेलुलर है। इन सब के नाते, अब आप वॉल्यूम सरफेस एरिया का भी रेशियो जान गए हैं, इसके नाते इनके सरवाइव करने की कैपेसिटी थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में कम होता है। इनकी जो कैपेसिटी होती है वो बेटर सरवाइविंग की कैपेसिटी होती है, ज्यादा इनका लाइफ स्पैन होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो से संबंधित आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन माइंड में है तो कमेंट करें, हम उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।